दोस्तों ये देश में चल क्या रहा, देखिए आप। इस राज्य में फिर से हिंसा फैली और इंटरनेट को पूरी तरह से बंद कर दिया गया पूरे राज्य में। खबर है मणिपुर की, 5 दिनों के लिए पूरे राज्य में मणिपुर में इंटरनेट बंद रहेगा और धारा 144 भी लागू कर दी गई है। दरअसल मणिपुर के कुछ जिलों में फिर से हिंसा भड़क गई और हिंसा भड़की किस वजह से, आइए देखते हैं खबर को थोड़ा विस्तार से। दरअसल शुरुआत हुई मणिपुर के बिष्णुपुर और चूराचांदपुर जिलों से। मणिपुर सरकार के मुताबिक यहां कुछ युवाओं और अलग अलग समुदाय के स्वयं सेवकों के बीच पहले मारपीट की घटना हुई और उसके बाद माहौल काफी ज्यादा खराब हो गया। बिष्णुपुर के जिला मजिस्ट्रेट का कहना कि शांति भंग और सार्वजनिक शांति में खलल और आम जन के जीवन में और संपत्तियों के नुकसान होने से बचाव के लिए ये उपाय किए गए हैं। तो वहीं चूराचांदपुर के जिलाधिकारी का कहना कि सार्वजनिक शांति भंग और माहौल खराब होने के चलते कई जिलों में धारा 144 लागू कर दिए हैं, कर्फ्यू लगा दिया गया और यहाँ तक कि मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है कि पूरे राज्य में इंटरनेट सेवाओं को 5 दिन तक के लिए बंद कर दिया है। हालांकि ब्रॉडबैंड सेवाएं चालू हैं जिसके चलते बैंकिंग सिस्टम वगैरह चालू रहेंगे और जो इंडस्ट्रियल कॉरपोरेट काम है वो तो बंद नहीं होंगे, लेकिन आम आदमी के लिए, यूजर के लिए जो मोबाइल पर सिम कार्ड पर चलने वाला इंटरनेट है ना, वो 5 दिन तक बंद रहेगा। फिर चाहे किसी भी कंपनी का सिम कार्ड आपके पास, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, जियो वगैरह सभी पर सिर्फ कॉलिंग सर्विस ही चालू रहेगी। दरअसल मेतेई समुदाय को एससी श्रेणी में शामिल करने की मांग के विरोध रैली का आयोजन हुआ था और इसी रैली में कुछ अलग अलग जाति समुदाय के युवाओं के बीच झड़प हो गई और उसके बाद माहौल काफी ज्यादा गर्मा गया। तो हिंसा ना बढ़े और इधर उधर की अफवाहें फालतू ना फैले, इसी के चलते मणिपुर सरकार की तरफ से पूरे राज्य में इंटरनेट को बंद कर दिया, वो भी 5 दिन तक के लिए, और हिंसा को खदेड़ने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े और अभी कई जिलों में कर्फ्यू भी लगाया गया। हालातों की स्थितियों को देखते हुए गैर आदिवासी बहुल इम्फाल पश्चिम, कोकचिंग, थोबल, जीरीबाम और बिष्णुपुर जिलों में, साथ ही आदिवासी बाहुल्य एरिया जैसे चूराचांदपुर, कांगपोकजी, तेंगो, नोपाल, इन जिलों में कर्फ्यू और धारा 144 लागू कर दिए। देखिए दोस्तों, आए दिन देश में इस तरह की हिंसाएं भड़कती रहती हैं और सरकारों को इंटरनेट बंद करने पड़ते हैं। आखिर क्यों लोग बाग जाति धर्म समुदाय के लिए एक दूसरे के साथ लड़ते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। देखते हैं आगे इस पर और क्या अपडेट आता है। पल पल की खबर मैं आपको बताता रहूंगा। इसी तरह की ब्रेकिंग न्यूज सुर्खियां देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।